नमस्कार गुरुत्वपूर्ण खबर सह अर्गस अपडेट को स्वागत मुस्मी गुरुत्वपूर्ण खबर देखे किंतु पूर्व हेडलाइंस संबलपुर हाथी मृत्यु घटने राज्य सरकार कार्यानुष्ठान सदर फॉरेस्ट रेंजर गौरीशंकर दास सस्पेंड हाथी सुरक्षा अवहेला अभियोग रेंजर निलंबित 2019-2021 जानुआर सुधा 6 हाथी मृत्यु को नहीं कार्यानुष्ठान बेजांस जाल में कोटिपति शिक्षक वीर महाराजपुर ब्लक शिक्षक संतोष साहू घर चढ़ाऊ संबलपुर और सोनपुर विजिलेंस टीम चढ़ाऊ आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग जाजपुर कुनी शिशु पिहू निखोज घटना सन्देह दुई जन को उठाई नेला बिंझारपुर पुलिस पिहू मां मोनालिसा मऊसा सुभाष जेना और पु सुनील जेना को अटक सिमिलीपाल व्याघ्र संरक्षण जंगल अग्निकाण्ड घटना विभागीय अधिकारी तुरंत पदक्षेप रिपोर्ट पर निर्देश दे जंगल और परिवेश मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ट्वीट कर उद्वेग प्रकाश करते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान राज्य में चाषी को मिलूनी पीएम किसान निधि योजनार प्राप्य मुख्यमंत्री को केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को चिठी मागिले पंजीकृत 40 लाख चाषी तालिका विरोधी प्रश्न सबु योग्य चाषी पाइबे केबे महानदी को मारी आसुछि महाविपद सुखुछि ओडिशार जीवनरेखा जून रे बढ़िबो जलकष्ट 6 फुट तलकु खसला जलभंडार जलस्तर जल संरक्षण पाई केबे हेबो ब्यारेज स्थान चिन्हट एवं प्रेस मीट रे बड़ घोषणा वास्तव चित्र अलगा कोरोना कटकणा नारे राज्य सीमार सबकि खोलामेला छत्तीसगढ़ को गले जात्री को हेउछि टेस्टिंग ओडिशा को एंट्री फ्री ग्राउंड जीरो रे स्थिति परखिला टीम अर्गस संबलपुर हाथी मृत्यु घटने राज्य सरकार कार्यानुष्ठान सदर फॉरेस्ट रेंजर गौरीशंकर दास निलंबित होती हाथी सुरक्षा अवहेला अभियोग रेंजर को निलंबित करते डीएफओ 2019-2021 जानुआरी सुधा 6 हाथी मृत्यु को नहीं कार्यानुष्ठान गत 2019-2021 सदर फॉरेस्ट रेंज अंचल मोट 6 हाथी मृत्यु घटी केते बेले रेल धोखे तो आउ केते बेले शिकारी द्वारा हाथी मान मृत्यु घटी एक घटना तदंतकारी टीम रिपोर्ट आधार में रेंजर को निलंबन करा विरोध में विभाग तदंत आरंभ हो संबलपुर डीएफओ कहते विजिलेंस जाल में कोटिपति शिक्षक सुवर्णपुर जिला वीर महाराजपुर ब्लक शिक्षक संतोष साहू घर विजिलेंस चढ़ाऊ आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग संबलपुर सुवर्णपुर विजिलेंस मिलित चढ़ाऊ पैतृक घर केंजरिया पाली समेत लातुर पेटर थिबा घरे एका सांगरे चालिछु रेड संतोष साहू वर्तमान पथरघाट प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भाव कार्यरत अछन्ति लातुर पेटर दुई बिल्डिंग रो एक घर सह 10 स्टॉल रहिथिबा बेले गोटे चारिचकिया गाड़ी मध्य रही प्राथमिक तदंतर जमापड़े विजिलेंस विभाग पक्ष संपत्तिर आकलन जारी रही आकलन सरी प्रकृत संपत्तिर मूल्य जमापड़ विजिलेंस विभाग पक्ष सूचना मिले युवकों मृत्युर लाइव दृश्य ट्रेन धक्का देउथिबा वीडियो वायरल होछि संबलपुर रेल रेड स्टेशन रे रेल धारणा पार होउथिबा समय रे एक ट्रेन धक्का रे जने युवकों मृत्यु होछि युवक जनक हेउछन्ति स्थानीय अंचल नाभिदत्त बगती एही घटना गत 28 तारीख संध्या 6:31 समय एही रेल धारणा रे अन्य लोकों भली से मध्य पार होउथिले ठीक पार हेबा समय रे एक द्रुत गति रे आसुथिबा ट्रेन धक्का देथिला जहाकि सेठे लगी एक सीसीटीवी कैमरा लाइव विजुअल कैद हो जाजपुर कुनी शिशु पिहू निखोज घटना सन्देह दुई जन को उठाई नेला बिंझारपुर पुलिस पुलिस उठाई नहीं दुई जन हेले पिहू मां मोनालिसा नायकों मऊसा सुभाष जेना और तांक पु सुनील जेना सेमानों घर बिंझारपुर थाना रणपुर अंचल बोली जमापड़ी गत 7 मास धरी निखोज अच्छी कुनी झी पिहू बिंझारपुर पुलिस पिहू को खोजिबार असफल रही है यार पिहू निखोज नहीं पोस्टर मरा अभियान पोखरी सुखा अभियान सबू सरी जाए कौन से सुफल पाई पुलिस सेपटे पिहू बापा कहवा अनुसार पुलिस तदंत सठिक ढंग से नक कथा को एड़े जावाई बारंबार से हईरा कर पुलिस स्थानीय लोक पुलिस कार्यानुष्ठान प्रश्न उठाई पुलिस तदंत दिगहरा होता कहते स्थानीय लोके पुलिस चोर को सुरक्षा देवापरी करुवा अभियोग कर लोके
नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर सिमिलीपाल व्याघ्र प्रकल्प में निआ लागिबा घटना पदक्षेप एवं रिपोर्ट प्रदान पर निर्देश देखते केन्द्र जंगल और परिवेश मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ट्वीट कर तुरंत कार्यानुष्ठान विभाग अधिकारी को निर्देश देते तेज जावड़ेकर को ट्वीट कर दृष्टि आकर्षण करते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सिमिलीपाल अग्निकाण्ड घटना को नहीं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उद्वेग प्रकाश करते एने ट्वीट कर विभाग मंत्री को पदक्षेप ने अनुरोध करते केन्द्रमंत्री देशर अन्यतम प्रमुख अभयारण्य सिमिलीपाल अग्निकाण्ड उद्वेगजनक धर्मेन्द्र प्रधान कहते केन्द्रमंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक दृष्टि देवा ट्वीट कर जनईले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान 2750 वर्ग किलोमीटर विशाल सिमिलीपाल अभयारण्य आड़क द्रुत बेगर निआ माड़ आसुची अभयारण्यर आखपाख जंगल सांघातिक निआ लगला मयूरभंजर राजपरिवार घटना को आगक आनी राजकुमारी अक्षिता मंजरी भंजदेव ट्वीट कर सिमिलीपाल सौंदर्य नष्ट एवं जीवजंतु को क्षति पहुंचाई किसी व्यक्ति एभली कम करेणु उभय केन्द्र सरकार और राज्य सरकार एथप्रति दृष्टि देवाई से अनुरोध करते राजकुमारी ट्वीट को रिट्विट कर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यह घटना को गंभीरता भाव नहीं केन्द्रमंत्री एवं मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण करते सिमिलीपाल अग्निकाण्ड घटन कार्यानुष्ठान निर्देश देते केन्द्रमंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज श्रीमंदिर अनुष्ठित हेब महाप्रभु बणकला गिरीति द्वितीय भोगमंडप उठवा पर दत्त महापात्र सेवक मैंने श्रीमंदिर गर्भगृह को प्रवेश करने महाप्रभु श्रीमुख श्रृंगार करे प्राकृतिक प्रणाली में प्रस्तुत प्रसाधान श्री विग्रह मान श्रीमुख को श्रृंगार कर हिंगुली हरिताल कस्तूरी नाली धला और कला भाई श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष जगै दि जा पारंपरिक रंग में महाप्रभु श्रीमुख श्रृंगार कर एक गुप्त सेवा नीति हो आज अपराह्न 4 रात्रि 8 पर्यंत प्राय 4 घंटा दर्शन बंद रही श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष सूचना दि जाए बणकलागी नीति पर ठाकुर महास्नान पुनर्वार दर्शन आरंभ हो राज्यर योग्य चाषी को मिलूनी पीएम किसान सहायता 40,50,000 चाषी प्रधानमंत्री किसान समाधि निधि योजन ना पंजीकरण करुवा बेले सबू चाषी को किंतु टंका मिलूनी सबू योग्य चाषी को पीएम किसान रे टंका देवा को मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप लोड़ केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तेज कालिया योजना 53,00,000 चाषी को सरकार तृतीय किस्तीर टंका देता बेले पीएम किसान रु कहीं वंचित करहाकने प्रश्न उठाई विरोधी ब्रह्मगिरी चाषी वासुदेव प्रधान चाष कार्य खर्च पर लोन उपरे निर्भर करती वासुदेव किंतु पीएम किसान योजना 7 किस्ती रे केंद्र सरकार पक्षर टंका आसीथिबा बेले वासुदेव को मिली मात्र गोटे किस्तीर टंका तबे जेते थर आवेदन कले भी अन्य 6 किस्ती बाबद को सहायता अर्थ मिलूनी बोली अभियोग करिसेंती वासुदेव एपरिकि राज्य रे अनेक चासी पीएम किसान योजना रे गोटी हेले किस्ती पाइन थिबा अभिजोग करछंती आमे धार कर्ज करिकिरे वर्तमान पैसा मिले खर्च करछु किंतु ए पर्यंत आमे पीएम किसान रे आ सेकंड किस्ती टोटल पायागु ना ए पर्यंत त आमे जते थरो वर्तमान ये कले अप्लाई कले सुधा टोटल आ मिलुनि अलग लोक पछि पाइलोनि 570 किंतु आमे टोटल पाइनि सेपटे ओडिसा चासी को हक पई आगो को आसीछंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे पंजीकृत 40,50,000 चाषी तालिका केन्द्र सरकार को दियंतु बोली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को चिट्ठी लिखिछंती धर्मेन्द्र तथ्य अनुसार ओडिशार 40,50,125 चाषी पीएम किसान योजना रे अंतर्भुक्त अछंते किंतु प्रथम किस्ती रे मात्र 9,63,757 जन चाषी को मिली सहायता जहाँकि पंजीकृत चाषी को मात्र 24% सही द्वितीय किस्ती रे 29,92,934 जन चाषी अर्थात 74% तृतीय किस्ती रे 28,77,980 जन चाषी बा 71% चतुर्थ किस्ती रे 25,61,941 जन चाषी अर्थात पंजीकरण केवल 63% चाषी अकाउंट को पीएम किसान योजना रे टंका जाइछि एहा सह पंचम किस्ती रे 21,55,470 बा 53% चाषी
ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତିରେ 23,38,309 ଅର୍ଥାତ୍ 58% ଏବଂ ସପ୍ତମ କିସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 61% ଅର୍ଥାତ୍ 24,79,794 ଜଣ ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଏଇ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଠିକ୍ ସେ ଆମର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ପଇସାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପାରଗତ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ମାନେ ପଇସା ପାଇପାରୁନୁ, ପଇସା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅନ୍ୟପଟେ କେଉଁ ଆଧାରରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରିଛି ବିଜେଡି। ଯଦି ଆପଣ କାଳିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ 53 ଲକ୍ଷ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପିଏମ୍ କିଷାନରେ କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ଲକ୍ଡ ବାଇ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାର ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଗୁଛି ବାରମ୍ବାର ଲିଷ୍ଟ ଦିଅ, ଏ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କରି ୱାର୍କରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି 23 ଲକ୍ଷ ନା 24 ଲକ୍ଷ, ଏ ଲିଷ୍ଟ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ଶାଗମାଗ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ହଉ କାଳିଆ ହଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତାହା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରୁ ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ଯାଏଁ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରୁ ହିଁ ବୁଝାପଡୁଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କରୋନା ଖେଳ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, 5 ରାଜ୍ୟ ଫେରତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯିବ ନଜର, କିନ୍ତୁ ସୀମାରେ ସବୁକିଛି ଖୋଲାମେଳା। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୀମାକୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କରୋନା ମୁକାବିଲାର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ ଟ୍ରିପ୍। ସୀମାରେ ଚାଲିଛି ଚେକିଂ, ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଡେଇଁଲେ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯାଉଛି, ପଚରାଉଚରା ପରେ କରାଯାଉଛି ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ସନ୍ଦେହ ହେଲେ କରାଯାଉଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ସୀମାର ଟିକେ ଏପଟକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁକିଛି ଖୋଲାମେଲା, ନା କିଏ ରୋକିବାକୁ ଅଛି ନା ପଚାରିବାକୁ, ଟେଷ୍ଟ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତ ବଡ଼ କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି କରୋନାକୁ ନେଇ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମ ସରକାର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ 5 ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଆସୁନି କି? ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୀମାରେ ଜଗିଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା। ଯହାଁ ହମ୍ ବାହାର ଅଦର ରାଜ୍ୟ ସେ ଆନେ ୱାଲେ ଗାଡ଼ିଓ କା ଗାଡ଼ିଓ ଉସମେ କରୋନା ଯାଞ୍ଚ କର ରହେ ହୈଁ, ଉସକା ଟେମ୍ପରେଚର ଚେକ୍ କର ରହେ ହୈଁ, ଔର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମିଲନେ ପର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ୟହିଁ ପର କିଆ ଜା ରହା ହୈ। ହାଁ, ୟେ ସରକାର କି ତରଫ ସେ ହମାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଶାସନ କେ ସରକାର କି ତରଫ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୈ, ୟେ ଓଡ଼ିଶା ୱାଲେ ସଭି ବର୍ଡରୋ ପର ହୋ ରହା ହୈ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବାକୁ ଏଠି ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି କରୁଛି କରୋନା ମୁକାବିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେଆଡ଼େ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛେ, ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ଯାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପରଦିନ ରାତିରୁ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଲାନ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯଦି କିଏ ବି ଆସ୍ବା ତ ତାର ଟେଷ୍ଟ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛୁ, ଏବେ ଯାଇ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ହଉ ଏବେ ଯାଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ହେବା। ଆଉ ଆଜି ଖରିଆ ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି ବୋଲିକି ଆମେ ମାନେ ଖବର ବି ପାଇଲୁ। ଆଉ ଯହାଁ ସେ ଯେଉଁ ବି ଆ ରହେ ହେଁ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ରରେ ଉନକୋ କୋଇ ବି ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଷ୍ଟିଂ ନେଇ କିଆ ଯା ରହା ହେ, ଆଉ ବଡ଼େ ପୈମାନେ ମେ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କର ରହେ ହେଁ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାର ମେ, ଆଉ ଜିସ୍କା ଇଫେକ୍ଟ କଭି ବି ଖରିଆ ରୋଡ଼ କେ ଉପର ବି ପଡ଼ ସକତା ହେ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କେ ଉପର ପଡ଼ ସକତା ହେ। ଯେଉଁ ହମ୍ ହମ୍ କରୋନା ମହାମାରୀ ସେ ପହଲେ ଗୁଜର ଚୁକେ ହେଁ ଔର ଯୋ ତକଲିଫ ପାଏ ଓ ଏସା ନା ହୋ ଇସକେ ଲିଏ ପ୍ରଶାସନ କୋ ଜରୁରୀ ଜାଗୃତ ରହନା ଚାହିଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ନୋ ଟେନସନ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଏମିତି, ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରିବେ ତ ସରକାର? ଯଦି ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବନି କି?
स्वास्थ्य मंत्री नव दास ट्विट देखु आपटे झारसुगुड़ा सीमार स्थिति कहि करोनार किभली मुकाबला कर राज्य सरकार अवश्य ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांतर विभिन्न अंचल में सचेतनता कार्यक्रम कर जिला प्रशासन तेरे प्रश्न उठू सचेतनता करल कथा सीमारे बिना जांच रे लोकों को छड़ा जीपा कोरोना सह खेलो नहीं सरकार जो विधि विधान करिछंती कोविड संक्रांत रे से विधि विधान को समस्त अनुपालन करिवे सामाजिक संपर्क को ठीक शिथिल करिवे एवं अंतरराज्य परिदर्शन ये तो रहिबो जेहेतु कमर्शियल एक्टिविटीज रही लोक मान जीवन जीविकार कथा अच्छी सेगुड़ाक रहिबो किंतु ताको जेते कम करिपारिबे बंधु बांधव जीवा आसीबा को टिके कम करेबे टेलीफोन माध्यम रे संपर्कटा को बेसी करिवे आम यही प्रकार रिक्वेस्ट लोकों को प्रतिश्रुति आम पाइचु जे से माने प्रशासन सांगर छिड़ा हेबे आमको सहयोग करिवे महाराष्ट्र मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ केरल व पंजाब रो आसुथिले रखा जीवन नजर किंतु निर्देश वास्तवता कौन छत्तीसगढ़ सीमार ए दृश्य को बयान करुछि जहाँ को राज्य सरकार देखिबा दरकार आउ जनतांक सह ए कोरोना खेल बंद करिबा दरकार झारसुगुड़ारु सुरेन्द्र बारिक सह नुआपड़ारु युधिष्ठिर पटेल को रिपोर्ट अर्गस न्यूज नजर पकाइबा परवर्त खबर उपर संबलपुर बरेपाली छक विलंबित राति दुर्घटना घटी अजना गाड़ी धक्के तीन मृत्यु होता बेले जड़े गुरुतर अच्छा दुई बाइक चारिज जा दुर्घटना घटी जमापड़े राति गोटा समय दुर्घटना घटुवा बेले समस्त बुर्ला मेडिकल को भर्ती करनिज को डाक्तर मृत घोषणा करते गुरुतर को बुर्ला स्थानातर कर समस्त मृताहत हीराकूद अंचल बोली जमापड़े तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित संबलपुर फोन लाइन जोड़ा प्रतिनिधि मले भई मले पूरा घटना कौन थी या सहित जहाँ सूचना रही कि तीन जन मृत्यु करूचना रही कि आउ जन बर्तमान से गुरुतर अच्छा जे गुरुतर अच्छा अवस्था बर्तमान किभ रही निश्चित भाव विस्मी देखो ये घटना गत राति मंगलवार राति गोटाए दुईटा समय घटना ये जिते बेले किछि दुई दुईटी बाइक रे चारि जन युवक जाउथिले संबलपुर पटु हीराकुद पटु को ए समय रे बरेपाली छक निकट एक अजड़ा गाड़ी तांकु धकायतला फल रे घटनास्थल रे तीन जन मृत्यु होता जो जहाँकि आउ जो चारि जन भितर तीन जन मृत्यु होता आउ जन गुरुतर होते इतुके पाखापाखि समय गोटे दुईटा समय भितर घटना घटी संगे संगे अठापल्ली पुलिस खबर पाए घटनास्थल को पहुंची आउ चारि जन को बुर्ला हस्पिटा स्थानातर करता किंतु बुर्ला हस्पिटा तीन जन को डॉक्टर मृत घोषणा करते आउ जन जी अच्छा गुरुतर अवस्था बर्तमान समय बुर्ला हस्पिटा भर्ती कर चिकित्सा कराई ये समस्त जो अच्छा युवक मान जो मृत्यु तीन जन जी गुरुतर अच्छा ये समस्त घर बुर्ला सरी हीराकुद अंचल बोली बर्तमान समय जना पड़ी अंपटे देखा जो गाड़ी आजा धक्का देता सी गाड़ी विलंबित राति धक्का फेरार होता कि ये गाड़ी बरगढ़ पटु संबलपुर पट को आसवा जहाँ जना पड़ी कि बर्तमान समय अच्छा पुलिस पुलिस ये सब व्यवच्छेद पर बर्तमान समय अधिक तदंत करना पड़ी कि देखा जो युवक मैंने बैक जाते मैंने प्रथम तो दुईट बैक चार जन बस जाते तो ये जीवा समय प्रथम कर दुईट गाड़ी पाखापाखी दुईट मोटरसाइकिल पाखापाखी थी तो प्रथम कर जो ओवर पटु जो आसूला अजना गाड़ी ये धक्का देला धक्का देवा फल घटनास्थल मृत्यु होता तो जड़े युवक केवल से भर्ती थे गुरुतर अवस्था अच्छा बर्तमान समय बुर्ला भर्ती जो मैंने मृत होती जी बर्तमान गुरुतर अच्छा समस्त परिचय मिल पारे आपड़ जहाँ सूचना दौले कि समस्त हीराकुद अंचल में जना पड़े कि परिचय मिल पारे देखो ये घटना जितने बर्तमान विलंबित रातर घटना अठा पुलिस पुलिस बर्तमान समय अधिक तदंत करें हीराकूद अंचल जना पड़े कि परिचय ये हीराकूद अंचल कौन कौन स्थान बर्तमान समय परिचय मिल पारे बर्तमान समय जेत की सकाल हो सारा नौटा पाखापाखि नौटा अधिक समय तो पुलिस पर बर्तमान समय जोजोग कर चेस्ट कर बर्तमान समय सब पुलिस प्राथमिक तदंत कौन जना पड़ी जो अजना गाड़ी धक्का देता से अजना गाड़ी विषय में किसी तदंत अर्थात कि सूचना मिल पारा देखो विस्मी जो ये घटना जेतुक बरेपाली छक अंचल घटना घटी आखपाख अंचल जो जो सीसीटीवी कैमेरा लगी जो दुकान बजार ये समस्त को बर्तमान समय पुलिस जांच कर आरंभ कर ये गाड़ी कौ गाड़ी थी गाड़ी टा कौ पट कौट आसला कौ पट जाता तार बर्तमान समय अठा पुलिस अधिक तदंत करना पड़े कि देखा जे घटनास्थल जेतुक तीन जन मृत्यु होता तो पुलिस बर्तमान समय अठा पल्ली पुलिस बर्तमान समय अधिक तदंत जारी रखी पाख अंचल विभिन्न सीसीटीवी फुटेज बर्तमान समय जांच कर जना पड़ी विस्मी निहत भाव में बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप समस्त सूचना
समस्त बुलेटिन रखा अधिक आप विजिट करेंगे वेबसाइट अर्गस न्यूज। नमस्कार।